राम राम सारे किसान भाइयों, फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल पर एक बार फिर से आपको स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज आप बात करांगे डेयरी फार्म के बारे में, जो एचएफ की डेयरी है हरियाणा में पूछे हाँ बारवास गांव का, मैं भिवानी जिले के अंदर। तो भाई साहब तो मिलांगा, पूरी जानकारी लेंगे। अगर तन एचएफ डेयरी के बारे में, गाय की डेयरी के बारे में जानकारी लेनी है तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रही हो। तो भाई साहब तो मिलांगा, तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। एक बार जैसे अपना नाम बताओ। मनोज बारवास। मनोज बारवास नाम है भाई साहब को। कितना टाइम हो गया आपने यार डेयरी चालू कर यार? भाई सन 2001 में स्टार्ट करी थी अपनी डेयरी, कितनी गायत करी थी? शुरू स्टार्ट करी थी एक गाय से, उसके बाद में हमें 6 गाय और लेके आए थे, फिर ऐसे धीरे धीरे 63-64 गाय कर ली हमने। लोग जितना अलग अलग नस्ल की गाय पाले हैं, तामी या के सोची कि आपन या एचएफ गाय पालनी है? भाई मन तो मिल्क के हिसाब से करना था, डेयरी पर दूध पर काम किया है तो दूध के लिए सबसे टॉप चीज है ये, अच्छी क्वालिटी है एचएफ की। तो कोई भी चीज हो अपनी बिजनेस करा तो उसमें यह है तो लेके चलांगा, भाई दूध के ऊपर काम करना है तो अच्छे दूध का पशु लेके आवा, तो मैंने एचएफ चुनी इसमें। अब जैसे कितनी मात्रा में आपके पास गाय है? मेरे पास लगभग अब फिलहाल है 47-48 कितनी गाय दूध देती है उनमें से? दूध की गाय है फिलहाल, ऑलरेडी तैयार 14, और ज्यादा मिल्किंग प्रेग्नेंट हैं, छोटे बच्चे हैं की जैसे बात करें, किस प्रकार आप मिल्किंग करते हैं हाथों इनकी? से। हाथों से? हाँ जी, लेकिन वो मशीन से जो निकालते हैं उसके बारे में क्या कुछ? मशीन भी अच्छी चीज है, वो तो अपने पर डिपेंड करता है जी। अगर बंदे की व्यवस्था नहीं है तो मशीन भी रहती है, ये मशीन भी ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन मैं हाथों से दूध निकलवाता हूँ, और मशीन का तो रख रखाव के ऊपर है मेन चीज, जैसे और इसमें तकलीफें ज्यादा हो जाती है नहीं तो। जैसे कितनी मात्रा में, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मात्रा में कौन सी, कितने लीटर की दूध की गाय है अपने पास? 43 लीटर तक है जी मेरे पास तैयारी की। अब ये गाय है आज तैयार का 40+, 43 है लेकिन मैं 40+ बोल रहा हूँ ये गाय। दूसरे नंबर पर गाय है ये 37-38 किलो दूध है, मैं 35 किलो दूध बता रहा हूँ। इस गाय में 30 लीटर दूध तैयार है, 32-33 है लेकिन 30 बता रहा हूँ। 25-26 है, फर्स्ट टाइमर बछिया है ये मिल्क कैपेसिटी है जी इनकी, वो प्रेग्नेंट है, उससे अगली भी प्रेग्नेंट है, 40+ की दोनों है वो, ये थर्ड बार भी आएगी वो सेकंड बार भी आएगी। क्रॉसिंग किस प्रकार, आप एआई का सहारा लेते हो या फिर बुल नहीं, से? एआई का सहारा लेते हैं भाई साहब, बुल मेरे पास है नहीं तो एआई बढ़िया चले, अपना अच्छा सिमन रखवाते हैं। लगभग जैसे जो बछड़ी आती है उनको कितना टाइम बाद वो दूध देने के लिए तैयार हो जाती है? किस प्रकार उनकी, 24 मंथ के बाद किस प्रकार उनकी, क्या क्या इनको खाने में देते हो बछड़ी? खाने में तो भाई साइलेज चलता है, और थोड़ी ये जो फीड है अपनी डीपीएस है छोटी का, तो डीपीएस ज़्यादा चलता है हमारे यहाँ, और जिस टाइम पर ब्यात पर आती है उस टाइम पर ट्रांजेक्शन डालते हैं हम फीड। मिल्किंग के लिए कारगिल 8,000 चलती है फार्म पर अपने पर। ऐसी कोई समस्या नहीं आई क्या अभी तक, यूँ लगा हो कि जैसे ये दूध देती हैं तो कैल्शियम वगैरह की कमी आई नहीं होगी? जी, ये नहीं हुआ है अपने साथ। अगर बात करें सालाना या महीने की, कितना कुछ आप इनसे कमा लेते हो? सालाना का पूरी साल का बजट लेकर चलते हैं तो 10 से 11 के बीच में कमाते हैं, 10-11 लाख के खर्चा आसपास। कितना कुछ लग जाता है इन पे? खर्चा तो मेंटेनेंस अगर डॉक्टर का करके चलेंगे तो वो तो एक अलग रूटीन बनाएंगे हम कि टोटल खर्चा कितना है, मिल्क कितना है, 24-25 लाख रुपए का तो 50 बचता है, उसमें लेबर का भी हो जाता है जिसमें खर्चा। कितनी लेबर है फिलहाल अपने पास? दो दो बंदे हैं जो गाय का गोबर होता है वो सेल करते हो या उसको खेत में खाद के रूप में काम में ना, लेते खेत हो? के खाते में रूप में लेते हैं, हाँ सेल नहीं करते हैं। अब जैसे मिल्किंग सुबह कितनी बजे की जाती है? जैसे 40 लीटर की दूध की गाय है अपने पास, हाँ जी, इसकी दिन में 2 बार या 3 बार ना दो मिल्किंग? बार होती है जी, सुबह 6 बजे मिल्क स्टार्ट कर देते हैं, 8 बजे क्लियर हो जाता है, वो ही रूटीन शाम का है, 6 बजे स्टार्ट 8 बजे क्लियर। अगर अपना कोई किसान भाई ये वीडियो देख के अगर आपसे कोई गाय लेना चाहे, कोई भी बछड़ी या छोटी या बड़ी गाय, बिल्कुल बड़ी तो गाय मिल जाएंगी जी, मिल्क कैपेसिटी के हिसाब से जो बता कर देंगे किसी वो किसान भाई को, उस पर अगर कोई भी दिक्कत होगी तो उसकी जवाबदारी होगी। और बीमारी जैसे कौन कौन सी आती है इनमें? बीमारी तो जैसे पीछे LSDI
उससे पहले अलम पी आई तो बीमारियां तो हर प्रकार की आती रहती हैं पशुओं में, जैसे मुखरी हो जाती है, तो वो तो खुद फार्मर पर डिपेंड करता है। जैसे अब हमने तो हर गाय के टीका लगवा दिया है मुखरी का, पहले करवा दिया, तो वो तो अपने पर है। फार्मर अगर नया फार्मर करता है उसको इतना ज्ञान होता नहीं है, तो उस वजह से वो ज़्यादा नुकसान में जाता है। अगर अपना कोई किसान भाई जैसे डेयरी करना चाहे तो उसको क्या कुछ सलाह दोगे, किस प्रकार वो स्टार्टअप करे, एक गाय से करे या दो? नहीं, एक दो गाय से स्टार्ट करे, एकदम ज्यादा गाय नहीं हो, क्योंकि ऐसे ऐसे कोई भी चीज हो उसका एक्सपीरियंस जरूरी है, तो एक दो गाय से एक्सपीरियंस शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे धीरे करे, फिर फायदेमंद चीज है ये फार्मर के लिए। जैसे आपको काफी टाइम हो गया डेयरी फार्म करते हुए, अगर आपको इतने टाइम में ऐसा कुछ लगा कि डेयरी फार्म में घाटे का सौदा है? नहीं जी, घाटे का नहीं है जी, माइनस तो 1% भी, 1 पॉइंट भी नहीं है जी इसमें। पीछे खूब बीमारी भी तकलीफ भी आई है, दूध के रेट भी नीचे आए हैं, लॉकडाउन भी लग चुका है, लेकिन उस टाइम पर भी माइनस में नहीं है, प्लस में रही है। दूध की सेलिंग की बात करें तो कितने रुपए लीटर आप दूध सेल करते हैं और किस प्रकार, जैसे आप खुद आप अमूल डेयरी में जाके दे के आते हैं? यहाँ पर नेस्ले की गाड़ी आती है बारडा से, किसान प्लांट की, यहाँ से उठा कर ले जाती है, 40-41 रुपये लीटर दूध जाता है। अब कितने लीटर दूध आप यहाँ से सेलिंग करते हो? सेलिंग रोज का एक टाइम का हो जाता है लगभग 1.5-2 क्विंटल के आसपास। अगर कोई किसान भाई घी की, अगर घी खरीदना चाहे कोई किसान भाई तो? नहीं, ये नहीं मिलेगा मेरे पास, मैं तो मिल्क सेल करता हूँ जी। हाँ, जैसे इकट्ठा अगर कोई दूध लेना चाहे तो भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं, बारवास में मनोज भाई साहब इनका नाम। और कोई अगर आप डेयरी फार्म के बारे में अपनी गाय कोई दिखाना चाहें जो आप? गाय तो और भी है, लेकिन ये जो मिल्क में है ऑलरेडी कुछ बाहर भी रह गई है, तो ये है सेल परचेज का काम है अपना, किसी भाई को कोई भी पशु लेना हो तो संपर्क करें। जैसे आप खेती भी करते हो, खेती के साथ साथ आपने डेयरी फार्म भी कर रखा है, तो जैसे कोई किसान भाई जो खेती ना करता हो उसके लिए जैसे ज्यादा वो चारे की मात्रा का ज्यादा पैसा लगेगा या फिर उसके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई वो तो दो चारा तो ले आना पड़ेगा, उसको तो पैसे तो जो जैसे भी है हमारे मिलता है वैसे ही लेना पड़ेगा, लेकिन अगर जमींदार है तो उसके साइड बिजनेस तो सबसे अच्छा है ये। और जैसे आपकी गाय बहुत दूर दूर तक जाती है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या खासियत है आपकी गायों की? खासियत तो ये जी, जहाँ पर भी पशु भेजते हैं वहाँ पर हमारी जवाबदारी पर जाता है। हम अगर 40 लीटर दूध बताते हैं तो वहाँ पर 38 नहीं 42 मिलेगा, यही कारण है। मैं आज नहीं 11 साल हो गए सेल परचेजिंग का काम करते हुए। कितनी दूर दूर तक आपकी गाय जाती है, कहाँ कहाँ तक आप सेलिंग कर चुके हो? यहाँ से मेरे यहाँ से फार्मर पर से लगभग 150-200 किलोमीटर तक की गाय जा रही है मेरी, सोनीपत चंडीगढ़ के एरिए में, पानीपत इधर जींद तक जाती हैं। जैसे यहाँ भाई साहब के पास पहुँचे डेयरी फार्म के बारे में जितनी हो सके हमने आप तक जानकारी पहुँचाने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई वीडियो में हमसे कमी रह गई हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप भी अपने फार्म या अपने डेयरी फार्म की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल से जुड़े रहना। भाई साहब से एक बार इनके नंबर दिलवा देता हूँ आपको, अगर आपको कोई भी गाय बछड़ी या किसी भी प्रकार की डेयरी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इनसे भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं। तो भाई साहब एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर और बता दीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर है भाई साहब 98-139-20-333। तो फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब।